मेरा नाम डॉक्टर सोनू श्रॉफ है और आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो है लकवा फेशियल पाल्सी वेल्स पाल्सी के बारे में। लकवा जो होता है इसकी कोई खास वजह नहीं है, बाज दफा कान में अगर बहुत ज्यादा पुरानी इन्फेक्शन हो उसकी वजह से भी हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर स्ट्रेस की वजह से भी बाज दफा हो जाता है और इसकी कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। इसमें होता क्या है, कान के पास से गुजरने वाली एक नर्व है, ये वाली नर्व जो दब जाती है दबाव या उसकी खून की सप्लाई में कमी आने की वजह से वो चीहे का सारा कनेक्शन खत्म कर देती है। यहाँ पे दबाव आया तो आंख का कंट्रोल खत्म होता है, नाक का, होंठ का और ये नीचे वाली चीन का, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है पेशेंट की आंख बंद नहीं होती, पट्टे इतने वीक हो जाते हैं कि पूरी आंख बंद नहीं हो पा रही होती। यहाँ पे इस साइड पे अगर पेशेंट को कहें कि ऐसे करें तो यहाँ निशान बन रहे होते हैं, इस साइड पे नहीं बन रहे होते। इसी तरह से चेहरा जो है पेशेंट का अगर ये वाली साइड मुतासर है तो चेहरा हमारा इस तरफ चला जाता है, जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल खत्म हुआ इस साइड के मसल टाइट थे, पट्टे टाइट थे, उन्होंने इस साइड के चेहरे को सारा इस तरफ खींच लिया, ठीक है। अब लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, लोग समझते हैं कि जिस साइड पे मुंह खींचा गया है वो साइड मुतासिर, वो साइड पे लकवा हुआ, जबकि वो ऑपोजिट होता है, दूसरी साइड पे होता है मसला। अब पेशेंट को जब हम कहते हैं कि मुंह में हवा डालिए, इस साइड से हवा निकल रही होती है, खाना खाता है तो खाना एक साइड पे जमा होना शुरू हो जाता है, पानी पीता है तो इस साइड पे जो है पानी मुंह से निकलना शुरू हो जाता है, मतलब इधर के जब कंट्रोल खत्म होगा तो हर एक्टिविटी रुक जाती है। पेशेंट जो है इस तरह की कंडीशन में ये सारे साइन सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। ये तो हो गया एक बेल्स पाल्सी जिसमें एक साइड मुतासिर होती है, एक होता है फेशियल पाल्सी जिसमें इतना इतना चेहरा मुतासिर होता है नीचे जिसमें मुंह टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। अगर इन दोनों का ट्रीटमेंट करवा लें तो ये इजीली रिकवर हो जाता है। अब बेल्स पाल्सी एक साइड का है ये आरजी तौर पर होता है, लेकिन जो फेशियल होता है अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं आप करवाएं तो वो पक्का पक्का परमानेंटली चेहरा इंसान का टेढ़ा होना शुरू हो जाता है और जो बातचीत करता है तो उसमें बकायदा पता चल रहा होता है उसके चेहरे। अब इसकी एहतियात की है, लोगों की आंख जो मुतासर आंख है वो बंद नहीं हो, कोशिश करें जब भी सफर करें या बाहर निकलें ब्लैक कलर की सनग्लासेस का यूज करें ताकि आपकी आंख डैमेज ना हो जाता, आंख से पानी भी निकलना शुरू हो जाता। इसी तरह से ऐसे पेशेंट को हम ये गाइड करते हैं कि लाइट के बिल्कुल सामने ना बैठे, बैक पे लाइट हो ज्यादा बेहतर रहेगा, सामने बैठेगा तो मसला आएगा। कुछ चेहरे की एक्सरसाइजेस होती हैं जो हम पेशेंट को गाइड करते हैं और साथ साथ पेशेंट को कहा जाता है कि इस साइड का ज्यादा इस्तेमाल करें, जैसे खाना खाने में ज्यादा इस्तेमाल करें और च्युइंगम वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल करें। चेहरे की मसाज भी होती है और बहुत सी वर्जिशें भी इसमें ऐड होती हैं। और एहतियात, सबसे बड़ी एहतियात साजा ये है कि इस साइड पर दबाव ना डाले। अक्सर पेशेंट क्या कर रहा होता है, वो समझता है मुंह मेरा इस तरफ गया है, ये साइड फालज में मुतासिर है, वो सारा वजन जो होता है इस साइड पे डालने लग जाता है, इस तरफ जो है वो ख्याल करता होता है, जबकि ये साइड जो है मुतासिर है, यहाँ दबाव डालने की वजह से ये कंट्रोल खत्म हुआ। अगर मेरी मेन सप्लाई का कंट्रोल काट दिया जाए तो वो पूरे फेस का, एक साइड के फेस का सारा कनेक्शन खत्म कर दे, तो ये चीजें प्रॉब्लम करती है। और बाकी अगर किसी को फालज लगवा वगैरह होता है या इनिशियल साइंस भी आते हैं तो फौरी डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनको फौरी चेक करें, इंशाल्लाह वो जल्दी रिकवर हो जाता है अगर इसको टाइमली रिकवर किया जाए, ठीक है। अगर आप इसको एक हफ्ता लेके बैठे रहते हैं पेशेंट को तो वो जो यहाँ से छोटी सी वेन, छोटी सी फेशियल नर्व जो गुजर रही है, छोटी सी नस होती है वो गुजर रही है, वो मजीद दबाव में जाती जाती है, तो जितनी दबाव में जाएगी उतनी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती रहेगी, इसलिए इसको टाइमली ट्रीटमेंट करवाएं, कंसर्न करें। उस पर हम मशीनें लगाते हैं चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों पर जिससे बहुत जल्दी रिकवरी आना शुरू हो जाए।